36 वैरायटी के चार आपने रखा है। ज्यादा डिमांड है मीठा का, लहसुन का, आदि का। क्या रेट है उसका? 200 रुपए किलो है। और जो सबसे सस्ता अचार है उसका क्या रेट है? 120 रुपया है। कटहर मिक्सचर। बैर खाए होंगे लेकिन बैर का अचार शायद खाए नहीं होंगे, तो बैर का अचार अगर जो खाना है, पपीते का अचार खाना है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोनपुर में। सोनपुर का मेला चल रहा है, सोनपुर का मेला ऐतिहासिक माना जाता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अचार के दुकान के पास हम आए हुए हैं। कई वैरायटी के अचार यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी हैं, अनगिनत, मतलब देख सकते हैं किस जंग से 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब बहुत सारे अचार हैं, अलग अलग वैरायटी के अचार हैं। यहाँ पे दुकान के पास, दुकान के जो मालिक इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से वैरायटी के अचार बेच रहे हैं और किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो आइए सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। ये बताइए कि मतलब कितने वैरायटी के अचार आपके पास है? 36 वैरायटी के अचार आपने रखा है। सबसे ज़्यादा डिमांड किस अचार का? सबसे ज़्यादा डिमांड है मीठा का, लहसुन का, आदि का। और क्या रेट है उसका? 200 रुपये किलो है। और जो सबसे सस्ता अचार है उसका क्या रेट है? 120 रुपया है। कटहर मिक्सचर जी। कौन सा है बताइए? कटहर ये हो गया, मिक्सचर हो गया जी, 120 रुपया किलो का। आप देख सकते हैं विजुअल्स में लगातार आपको दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से अचार है। इधर आ जाइए जी, कौन सा अचार है ये? बांस का कोपल का। बांस के कोपल का अचार है। और ये लहसुन का 200 रुपया किलो आएगा। एक एक करके आप सारे अचार के बारे में बता दीजिए, कौन कौन सा अचार है। आप देख सकते हैं लगातार आपको दिखाया जा रहा है, ये किस चीज़ का अचार है? इमली का है, 200 रुपये किलो का आएगा जी। देखिए लगातार आपको बताया जा रहा है कि किस चीज़ का अचार है और कितना रेट है इसका। ये सब कौन सा अचार है लगा बता? आम का है, पपीता जेली होगा, इमली होगा, बायर होगा। क्या रेट है सबका? 200 रुपये किलो होगा। ये बताइए कि कहाँ से आप लोग आते हैं यहाँ पे अचार बेचने के लिए? झारखंड से। झारखंड से आते हैं आप लोग अचार बेचने के लिए। और सबसे ज़्यादा डिमांड है आंवले का अचार का। आंवले का। और ये बताइए कि बांस के अचार का। ये बताइए कि लोग जो खरीदने के लिए आते हैं तो वो टेस्ट करते हैं या फिर डायरेक्ट ले लेते हैं ऐसे ही? टेस्ट करके लेते हैं। संतुष्ट हैं लोग आपसे? जी हाँ, बहुत। ये जो बनाते हैं या फिर कहीं से खरीद के लाते हैं? बनाते हैं अपने से सर, खुद से बनाते हैं जी, होलसेलरिंग करते हैं। क्या मतलब कितना, जैसे बहुत सारा अचार है यहाँ पे तो कितना टाइम लग जाता है बनाने में? लग जाता है दो दिन लग जाता है पूरा माल बनाने में। अच्छा, ये तैयार करने में आपको लग जाता है, पूरा सजाने में इतना समय आपको लग जाता है। और कितना अचार डेली बिक जाता है आपका? डेली बिक जाता है 10-12 टीना। 12 किलो के आसपास डेली बिक जाता है आपका? 12-13 टीना। 12-13 किलो। देखिए ये आपको बता रहे हैं कि किस ढंग से 12-13 किलो अचार बिक जाता है। यहाँ पे अनगिनत मतलब अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे अचार है, जैसा इन्होंने बताया कि पपीते का अचार है, इमली का अचार है, आंवले का अचार है। ये किस चीज़ का है? बैर का। देखिए बैर खाए होंगे लेकिन बैर का अचार शायद खाए नहीं होंगे, तो बैर का अचार अगर जो खाना है, पपीते का अचार खाना है। ये किस चीज़ का है? करौंदा का। देखिए तो अलग अलग तरह के यहाँ पे मिर्ची का अचार है, इमली का अचार है, बैर का अचार बताए जी, अनारस का भी अचार है। तो देखिए बहुत सारे वैरायटी है, लहसुन का अचार है, बांस के कोफ्ते जो होते हैं उनका अचार है, आम का अचार है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो आम के अचार खाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो दुकान है बहुत सारे वैरायटी हैं। और कितना, 35-36 बताया आपने, 35-36 वैरायटी का अचार यहाँ पे। तो अचार अगर जो खाना चाहते हैं बहुत सस्ता है, अच्छे अच्छे मतलब अचार है, आप आइए यहाँ पे टेस्ट कीजिए और अचार ले जाइए। इस वक्त मैं सोनपुर में हूँ और जो अचार की दुकान पे मैं मौजूद हूँ, आपको लगातार दिखाया जा रहा है किस किस वैरायटी का अचार है। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।